जय हिंद। तो आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है, देखिए यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आया है, पॉलिटेक्निक परीक्षाओं पर फिर मंडराने लगा संकट। क्या? पॉलिटेक्निक परीक्षाओं पर फिर मंडराने लगा संकट। जिस बार डेट चेंज हो चुका था उसी तरह इस बार भी डेट चेंज होने पर भी आ गया, देख सकते हैं, पढ़ के आपको सुना देते हैं। देखिए क्या लिखा है, एनबीटी लखनऊ पॉलिटेक्निक के विषम सेमेस्टर की तिथियों पर एमएलसी चुनाव और होली की छुट्टियों के कारण संकट के बादल बढ़ाने लगे हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद अब परीक्षा तिथियों के बदलाव पर मंथन कर रही है। हालांकि इन सब के कारण नुकसान विद्यार्थियों को होगा, ठीक है, इतना टलेगी, उतना सब किसको है, प्रॉब्लम स्टूडेंट को है, ठीक है। देखिए कोविड के बढ़ते संक्रमण और चुनाव के चलते परिषद ने पॉलिटेक्निक परीक्षाओं को तिथियों को बढ़ाकर 15 मार्च से करवाने के निर्णय लिया था। 15 मार्च से कराने का निर्णय लिया था, परीक्षा के विद्यार्थी तैयारी कर सके इसके लिए 10 जनवरी चालित कराई गई। अब कोरोना के केसों में यह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराई थी, क्या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कराई गई थी, कब से, 10 जनवरी से, ठीक है, 10 जनवरी से जो थी हमारी ऑनलाइन कक्षाएं जारी थी, ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं 10 जनवरी से स्टार्ट थी। कोरोना के केसों में कमी आने के चलते सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से स्टार्ट कर दी गई है। क्या? सोमवार से जो कक्षाएं जो हमारी बंद थी अब सोमवार से स्टार्ट हो गई है, पिछले सोमवार से 8 दिनों से, ठीक है। देखिए एमएलसी चुनाव की घोषणा कर दी गई है, इन चुनाव के नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो रही है, एक साथ 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। इस चुनाव में पॉलिटेक्निक के अध्यापक भी वोटर होते हैं, इसके साथ कई जगहों पर भी पॉलिटेक्निक संस्थानों की बिल्डिंग को चुनाव के लिए अग्रहित किया गया। इसके अलावा 18 मार्च को होली भी है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितना यदि पेपर टलेगा इन सब इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट पे पड़ेगा। स्टूडेंट पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटे थे, 2-3 महीने से तैयारी कर चुके थे, इस समय लापरवाही करते जा रहे हैं, ठीक है। जितना देरी होगा एग्जाम में उतना लापरवाही होगा, ठीक है, एग्जाम पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 15 मार्च से प्रस्तावित है विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं एमएलसी चुनाव और होली के चलते बदल सकती है तिथियां। देखिए 22 मार्च के बाद हमारे एग्जाम होना तय है, ठीक है, इसीलिए हमें सभी स्टूडेंट्स से हमें यही गुजारिश है कि सभी स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, मिलते हैं हमें अगले नोटिफिकेशन के साथ, धन्यवाद।